गुलजार आज़मी साहब सही मानों में मसीहा कहलाने के लायक हैं, उनकी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग खड़े हो जाएं और ये शख्स, यकीन मानिए कि अगर इनकी ज़िंदगी की काविशें अगर लिखनी पड़े तो एक किताब नामुमकिन हो जाए। वो नौजवान जो बग़ैर जुर्म के जेलों में सड़ रहे थे, उनको निकालने में समाजी, मिल्ली और सियासी, अदबी हर एतबार से ऐसी शख्सियत। मैं आज के चीफ गेस्ट जनाब मकसूद ख़ान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो और सोहेल लोखंडवाला साहब और डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब, ये तमाम मिलकर उस शख्सियत की खिदमत में एतराफ़ किया पेश करें जिसे सारी दुनिया जानती है। ज़ुल्म तशद्दुद और जेल की अंधी कोठड़ियों में दर्द और अजाब बर्दाश्त कर रहे बेकसूर और मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैस सोहेल भाई, कैसरुल जाफरी ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जनाबे जी जी जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए बात से इफ्तिखार होगा अगर आपके ज़रिए ख्यालात हम तक ना पहुँचें। जनाबे मोहतरम गुलजार आज़मी साहब, आइए। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। मोहतरमा सदर साहिबा, मेरे मोहतरम दोस्त सोहेल लोखंडवाला, यूसुफ अब्रहानी, मौलाना ज़हीर अब्बास रज़वी, बहुत हजरात बैठे हैं, नाम लेना लगूंगा तो वक्त इसी में गुजर जाएगा इन साहिबान का। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ किसी पर एहसान नहीं। मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जमात में और उसका तकाजा था कि जब मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं था, आपको 2006 याद होगा, सबसे पहले औरंगाबाद असलाह जब्ती मामला हुआ 9 मई को, उसके बाद फिर जुलाई में 2 महीने के बाद ट्रेनों में सिलसिलावार बम धमाके हुए, और ठीक उसके 2 महीने बाद सितंबर में मालेगांव कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ। इसमें 43 लोग गिरफ़्तार किए गए, उसमें सांचा चलान पावरलूम का सांचा चलाने वाले भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, और वो वक्त वो था जिसका नज़ारा क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल ने पेश किया है कि उस रोज़ ना माँ बेटे को पहचानेगी, ना बेटा माँ को पहचानेगा, ना बाप अपनी बेटे को पहचानेगा, ना बेटा अपने बाप को पहचानेगा। वो आलम था कि जब अपने रास्ते में रिश्तेदार जाते थे, जो लोग गिरफ़्तार थे, तो उनके रिश्तेदार अगर रास्ते में चलते थे, लोग रास्ता काट लेते थे। उस वक्त जमीयत उलमा के कायद, हम सब के पेशवा हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकाहो, तुमने मुझ पर यह ज़िम्मेदारी डाली थी। ये सितंबर 2007 का मामला था जब हमको पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जाना था मकोका को हटाने के लिए। बहरहाल वो ज़िम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि जो मेरी पजीराई हो रही है, खुदा ना खास्ता कल क़यामत के दिन खुदा ये ना कह दे कि दुनिया में तू सब कुछ ले आया, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है, खुदा हाफिज़।